अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC दो तीन सेमेस्टर एग्जाम डेट। जी हाँ दोस्तों, कब से आप लोगों के पेपर होने वाले हैं और DLED प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करने की उठाई मांग, सौंपा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, काफी दिन से स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो उसके लिए बच्चे परेशान हैं और उसके लिए सौंपा गया है ज्ञापन। और BTC तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट दोस्तों कब तक जारी होगा उसको लेकर बात करेंगे। और जो बच्चे BTC तृतीय सेमेस्टर में पास हो जाएंगे उनको अगला टारगेट होगा UPTET 2019 की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी से तैयारी शुरू नहीं करेंगे तो आप लोग अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अब नंबर के लिए दोस्तों आपको फाइट करनी चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1/4 UPTET के नंबर लिए जाएं, तो आपकी अगली कोशिश होनी चाहिए कि UPTET में कम से कम 130 से 140 नंबर तक गेन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, 150 नंबर का प्रश्न होता है, आप सोच रहे होंगे 140 नंबर बनते हैं या नहीं, तो मुश्किल रहेगा दोस्तों। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ रहा है और जिन बच्चों का एकेडमिक कम था, जैसे मान लेते हैं आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, जी हाँ दोस्तों, अगर BA BSc आपने जो भी कर रखा है वहां पर अगर आपने कम अंक प्राप्त किए हो तो आपको ये मेन फायदा हो सकता है कि अभी ये प्रस्ताव है दोस्तों, अभी तक ये पूरी तरीके से जारी नहीं हुआ है। मतलब जब ये प्रस्ताव लागू हो जाएगा तब आपका UPTET के जो अभी तक होता है खाली दोस्तों क्वालिफाइंग करना होता है। मतलब आपने UPTET पास कर लिया, आप लोग आगे सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है कि UPTET के 1/4 अंक लिए जाएं। जैसे 120 नंबर अगर आप पार नंबर पाएंगे UPTET में, तो 4 से भाग करके मतलब 4 से 12 30 अंक आपके नौकरी में जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों ये हो सकता है आने वाले टाइम में कर दिया जाए, लेकिन अभी ये प्रस्ताव है। अगर दोस्तों प्रस्ताव है, अगर आने वाले टाइम में नई शिक्षा नीति 2019 के बाद ये लागू होगा, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिले। तो ये DLED का ऑफिशियल चैनल है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी, दोस्तों अपने दोस्तों जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों जो आपके कॉलेज का, उसमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी तैयारी करने की तरीके पता चल सके, उनको तैयारी कैसे करना है UPTET की। और दोस्तों सभी के बच्चों का एक ही ड्रीम होगा, सपना होगा, टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स। जी हाँ दोस्तों, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले कि स्क्रूटनी के लिए क्या मैटर हो रहा है, क्या मामला चल रहा है। स्क्रूटनी परिणाम घोषित न होने पर प्रशिक्षुओं ने किया हंगामा। तो स्क्रूटनी का परिणाम घोषित न होने से नाराज DLED प्रशिक्षुओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर हंगामा किया। DLED संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश ने बैनर तले शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में प्रशिक्षुओं ने DLED 2018 बैच का स्क्रूटनी परिणाम शीघ्र घोषित करने की मांग की। कहा कि अगर प्रथम सेमेस्टर का स्क्रूटनी परिणाम जल्द घोषित नहीं हुआ तो उन्हें द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, इससे हजारों प्रशिक्षुओं का भविष्य लटक जाएगा। जी हां दोस्तों, और प्रशिक्षुओं ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से 15 जुलाई तक DLED 2018 का प्रथम सेमेस्टर के स्क्रूटनी का परिणाम जारी करने की मांग की है। साथ ही प्रशिक्षुओं ने सोनभद्र डाइट में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। मोर्चा के अभिषेक तिवारी, पवन पांडे ने कहा कि सोनभद्र डाइट में आंतरिक मूल्यांकन के दौरान कई प्रकार के अनियमितता सामने आई थी। इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को सूचना भी दी गई, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं कराई गई। प्रशिक्षुओं ने DLED द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा तारीख निश्चित करने की भी मांग की। जी हाँ दोस्तों, तो DLED द्वितीय सेमेस्टर, जी हाँ देखिए आपने यहाँ पर इसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल दी गई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि बात की गई थी कि आप लोग का जो DLED का द्वितीय सेमेस्टर का पेपर होगा वो इसी महीने के अंतिम में कराए जाने का प्रस्ताव था दोस्तों, लेकिन अभी तक डेट का निर्धारित नहीं कर पाए दोस्तों, अभी तक एग्जैक्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल किस तारीख से पेपर होगा, अभी वो डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों बात कही गई थी कि इसी माह के अंत में आपका पेपर कराया जाएगा, मतलब सप्ताह के अंतिम सप्ताह मान लीजिए दोस्तों। लेकिन अभी तक डेट का निर्धारण नहीं हुआ, अभी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा हो, तो लेकिन आपको भी परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों, जो तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी हुआ था उसके लिए भी बच्चों ने क्या किया था, देखिए DLED प्रशिक्षुओं ने परीक्षा नियामक को घेरा था। DLED 2017 के प्रशिक्षुओं ने सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। उनका कहना था कि DLED 2017 का चतुर्थ सेमेस्टर अक्टूबर में पूरा हो रहा है, DLED का परिणाम आने से पहले TT का आवेदन आता है तो रिजल्ट DLED 2017 के प्रशिक्षु बाहर हो जाएंगे। तो ये बच्चे थे दोस्तों जो मौजूद थे वहां पर। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आप UPTET 2019 की तैयारी कैसे करनी। जी हाँ दोस्तों, ये ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। देखिए, सभी लोग BTC सेकेंड सेमेस्टर के हों या फर्स्ट सेमेस्टर के हों या थर्ड सेमेस्टर के हों, अगर आप एग्जाम देके भी, देखिए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर बहुत जल्द होने वाला, लेकिन जैसे ही पेपर समाप्त हो आपका,
तुरंत आपको यूपी टेट की तैयारी में लग जाना है दोस्तों, क्योंकि आपका मेन टारगेट यूपी टेट होना चाहिए, यूपी टेट और सी टेट। आपके समय में जो भी पेपर आएगा दोस्तों वही पेपर आप दे पाएंगे। फिलहाल अभी तो यूपी टेट का एक अच्छा ऑप्शन मिल गया सभी बच्चों को, तो ये बच्चे भाई यूपी टेट इस बार काफी बच्चे क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को ये मौका नहीं चूकना चाहिए, आपके घर के पास कोई भी कोचिंग चलती हो आप वहां जाके ज्वाइन करिए। देखिए अभी आपको एक कमेंट बॉक्स में हम एक लिंक देंगे मैथ के लिए दोस्तों, उस वीडियो को आप लोग पूरा एक बार देखिए जरूर, उससे आपको अपना पूरा सिलेबस पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो इससे आपको काफी हद तक फायदा मिलने वाला। तो यूपी टेट में मैथ कैसी आती है तो उसके सवाल से आपको दिखाए जाएंगे, तो उससे एक बार आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं आपको तैयारी क्या पैटर्न होता है कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों 30-30 अंक के आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, मतलब पूरा पेपर आपका 150 अंकों का आता है। तो आप लोग 150 में कितने अधिक से अधिक नंबर ला पाए ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि हमने बोला कि आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ नियम में बदलाव कर दिया जाए, और यूपी टेट का अगर 1/4 अंक लिया जाएगा दोस्तों, तो जिन बच्चों ने पिछले टाइम में अपना एकेडमिक खराब कर रखा है, जिनके हाई स्कूल इंटर में थोड़े नंबर कम है, काफी बच्चे ऐसे जिनके हाई स्कूल में 60% होते हैं, इंटर में 60 होते हैं, ग्रेजुएशन में भी 60 होते हैं, मतलब 180 अंक वाले बच्चे, तो उनको दोस्तों कैसे फायदा हो सकता है वो इसी से, जैसे यूपी टेट से अपने नंबर बढ़ा पाएंगे, सुपर टेट का पेपर होगा दोस्तों वहां पर अपना एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो ऐसे ऐसे वो अपने में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे पेपर में, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के अभी तक ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आई है जैसा हमने बताया आपको, तो अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस मंथ के अंत तक दोस्तों हो सकता है कि अगर आपके पेपर हो जाएं तो आप लोग को अभी से देखिए पेपर की पूरी तैयारी करके रहना। जब आप पेपर की अच्छी तैयारी रखेंगे दोस्तों तभी आप लोग पेपर टाइम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए आप लोग को बीटीसी में बस इतना ख्याल रखना चाहिए, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आपकी पैक ना आने पाए। तो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए दोस्तों हमने एक अच्छी सी मैथ की पूरी सीरीज बना रखी है, तो अगर आप लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको पूरी वीडियो की लिंक दे दी जाएगी। अगर आपने 3 वीडियो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों हमने 3 वीडियो अलग अलग आपके लिए बना रखा है, जिसमें एक बहुविकल्पी के कुछ क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी के और लघु उत्तरी के दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने इन 3 वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली 25 में 25 अंक के दोस्तों करीब आप आ जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर किया गया, पूरा सिलेबस आपको बताया गया है। तो उसमें दोस्तों हमने साइंस के लिए, जी हाँ दोस्तों विज्ञान के लिए आपके पास 2 सेक्शन हमने बना रखा है अभी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी का दोस्तों, तो उसमें लघुत्तरी के क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप पासिंग मार्क तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको लघुत्तरी की थोड़ी तैयारी अपने मन से करनी पड़ेगी। इंग्लिश की वीडियो भी दोस्तों हमने हिंट दे दिया आपके लिए, लघुत्तरी और बहुविकल्पी, जी हाँ दोस्तों, या जिसको हम बोले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने वीडियो बना रखा है, तो उसमें भी आपको 2 स्टेप हमने क्लियर कर रखा है। तो दोस्तों बाकी का जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक एप्लीकेशन आ जाता है अधिकतर बार, तो वो सब आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो हमने काफी हद तक कोशिश की दोस्तों की आपको पास करा दिया जाए, क्योंकि आपकी बैक इन 3 सब्जेक्ट्स में सबसे अधिक आती है, सबसे ज्यादा मैथ में आती है, फिर इंग्लिश में आती है, फिर विज्ञान में आती है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स अगर आप क्लियर कर जाएंगे तो पेपर में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और आपका पेपर भी अच्छा लगेगा, रिजल्ट आएगा जिसमें लिखा रहेगा नो बैक। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भाई डीरेट जो था स्कूटनी का रिजल्ट जारी करने की मांग तो जरूर करेंगे। आपको एक चीज बता दें कि आप बीटीसी में सब कुछ बहुत ही स्लो होता है, आपने देखा होगा कि आपका सेमेस्टर जैसे बात हो रही है कि अक्टूबर में समाप्त होना है, कहाँ हो पाएगा, देखिए टाइम बीतता जा रहा है। आप लोग का जुलाई लगभग समाप्त होने वाला है, जुलाई देखिए स्टार्ट जो महीना हो जाता है वो समाप्ति समझा जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बचे हैं। तो पेपर भी नवंबर या दिसंबर में दोस्तों यूपी टेट का हो जाएगा, नवंबर में पूरी चांसेस हैं, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में, तो उस समय दोस्तों आप लोग अच्छी तैयारी रखिएगा। और क्योंकि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मतलब एक तो दोस्तों ये दिक्कत आएगी कि आपको 4 सेम की तैयारी करना शुरू करना होगा, उसमें कैसे अच्छा स्कोर कर पाए उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और तो ये सब चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, और यूपी टेट भी आपका लगा रहेगा, तो दोस्तों दोनों चीज को आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, समय कम रहेगा, तैयारी ज्यादा करनी रहेगी। तो दोस्तों अभी से आप लोग टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए, नहीं तो लास्ट टाइम आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी से आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक मैथ की वीडियो बना रखी है, उस मैथ की वीडियो को देखिएगा दोस्तों यूपी टेट के लिए, जिसमें आप टाइम मैनेज करना सीख पाएंगे कि कम से कम दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में आपको कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, लेस देन 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के बीच में टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन यूपी टेट में तो छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ 150 क्वेश्चन होते हैं, तो समय भी कम रहता है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी दोस्तों तभी आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कोशिश दोस्तों आप लोग अच्छी करते रहिए, तैयारी ये सब चलता रहेगा। दोस्तों देखिए सेकंड सेमेस्टर हो के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम डेट नहीं आ रही है,
और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड में आ गए, अभी उनका स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मतलब पूरा बीटीसी मोर्चा एक तरीके से कहा जाए तो परेशान है। चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो, सभी बच्चे आज की डेट में देखा जाए तो परेशान ही है। लेकिन दोस्तों अभी आपको अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। देखिए इन सब चीजों से आपको दूर हटकर रहना चाहिए, आपको मेन अपना टारगेट रखना है तैयारी कैसे करना है, तभी आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द पा पाएंगे। और दोस्तों देखिए कोई वैकेंसी भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। देखिए अभी किस्मत आपकी अगर अच्छी होती है तो पिछले साल जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर माह में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो इस बार भी कुछ ऐसी वैकेंसी आएगी दोस्तों तो आपको फायदा मिल सकता है। अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कोई नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो जैसे दोस्तों कोई नई नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों उसकी अपडेट्स भी हम आपको देंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कम से कम यूपी टेट क्लियर होगा तभी दोस्तों आप कोई भी शिक्षक भर्ती के लिए आगे एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। तो यूपी टेट सी टेट का आपका ऑप्शन निकल चुका है, तो फिलहाल यूपी टेट की तैयारी में लगे रहिए। तभी दोस्तों अगर आप जितना अच्छा प्रदर्शन यूपी टेट में करेंगे, अगर कोई नई जॉब आएगी तुरंत उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे 69,000 वाले बच्चे थे, किस्मत उनकी इतनी अच्छी चलती रही हमेशा कि आज वो नौकरी पाने के बिल्कुल कगार पर हैं। जैसे ही कोर्ट का मैटर फाइनल होगा तुरंत वो नौकरी पा जाएंगे। तो मतलब बीटीसी 2015 बैच अभी तक का बेस्ट बैच था जो सबसे पहले नौकरी पाएगा दोस्तों। अगर उनका 1 साल से मैटर कोर्ट में ना फंसा होता दोस्तों, मतलब जो मामला कोर्ट में ना चल रहा होता, तो दोस्तों ये बच्चे अब तक फरवरी में ज्वाइनिंग पा जाते हैं। मतलब सोचिए किस्मत कितनी अच्छी दोस्तों। इनका भी सेशन लगभग अक्टूबर में ही समाप्त हुआ था, अक्टूबर नवंबर में इनका रिजल्ट आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में इन्होंने सी टेट भी क्लियर किया, यूपी टेट में का रिजल्ट आया। देखिए यूपी टेट का रिजल्ट दिसंबर में आ चुका था, सी टेट का पेपर हुआ उसी समय दोस्तों, वहां भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सुपर टेट में भी दोस्तों उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 6 जनवरी को पेपर सुपर टेट का हुआ था इनका। तो मतलब वो हर जगह एक अच्छा स्कोर करते गए। अब किस्मत थोड़ी सी दोस्तों खराब चल रही, कोर्ट में मामला चल रहा, नहीं तो अब तक वो बच्चे जॉब पा गए होते। तो बीटीसी 2015 बैच अब तक का बेस्ट बैच है जो सबसे जल्दी जॉब पाने वाला था। लेकिन दोस्तों एक चीज बताएं, उस समय इंग्लिश में सबसे ज्यादा बैक्स आई थी उनके समय में, तो आप लोग को इंग्लिश अच्छा तैयार करना है दोस्तों कि इंग्लिश में बैक ना आने पाए। तो और भी अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ख्याल रखें।